हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 9 दिसंबर 2021 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप डायरेक्टली पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप डायरेक्टली इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी डेली की जितनी भी फ्री क्लासेस होती हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास हो, हर एक के लिंक टेलीग्राम पर ही शेयर किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में किसको दिया गया है? ये कौन है जिन्होंने इस साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? तो ये है दामोदर मौजो। क्या नाम है? दामोदर मौजो। और ये बेसिकली एक कोंकणी राइटर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोंकणी राइटर दामोदर मौजो ने 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। अगर आपसे पूछा जाए 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है, तो आंसर है नीलमणि फुकन। नीलमणि फुकन जो है, यह एक आसामी राइटर है। तो यह आपको चारों चीजें ध्यान रखनी है, दामोदर मौजो 2021 कोंकणी राइटर और नीलमणि फुकन 2020 आसामी राइटर, दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, दोनों को इससे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप हमेशा ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये इंडियन लिटरेसी अवार्ड की कैटेगरी में हाईएस्ट अवार्ड है। इसकी स्थापना साल 1961 में करी गई थी, मतलब 1961 से ये हर साल दिया जाता है सबसे बेहतर राइटर्स को, और पूरी 22 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड अ पैन इंडिया प्रोग्राम जिसका नाम है शी इज अ चेंज मेकर फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव एट ऑल लेवल्स। अभी हाल ही में ये भारतीय कार्यक्रम महिला प्रतिनिधियों के लिए स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है शी इज अ चेंज मेकर। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स ने। तो पूरे भारत भर में ऐसी महिलाएं जो कि डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में कहीं ना कहीं भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की तरफ से। साथ में बेहतर ट्रेनिंग भी दी जाएगी इस प्रोग्राम के तहत। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1992 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यह कौन सा आईआईटी है जिसके साथ टाटा पावर ने एक पैक्ट साइन किया है? इस पैक्ट के तहत टाटा पावर इस आईआईटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग देंगे। तो टाटा पावर ने यह पैक्ट साइन किया है अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास के साथ। तो आप ये बोल सकते हो कि आईआईटी मद्रास कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को टाटा पावर की तरफ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद करी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में सफलतापूर्वक VLSRSAM मिसाइल का परीक्षण किया है और इसको इन्होंने चांदीपुर टेस्ट रेंज से अभी हाल ही में फायर किया है? तो यह है DRDO। DRDO ने अभी कल के दिन चांदीपुर फायर टेस्ट रेंज से VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल है और इसकी खास बात यह है, ये सरफेस से एयर में मारक क्षमता की मिसाइल है। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि इसकी रेंज कितनी है। इस मिसाइल की रेंज है 15 किलोमीटर। इसका यूज इंडियन नेवी अपने वॉरशिप से करेगी। DRDO की स्थापना 1958 में करी गई थी, इसरो की स्थापना 1969 में, नासा की स्थापना 1958 में और ब्लू ओरिजिन की स्थापना साल 2000 में करी गई थी। इसरो के चीफ हैं डॉक्टर के सिवान और DRDO के चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, नासा के चीफ हैं बिल नेल्सन और ब्लू ओरिजिन के हैं जेफ बेजोस। ब्लू ओरिजिन का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली एंड इसरो का है बैंगलोर। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा देश है जिसके द्वारा अभी हाल ही में पेनलेस डेथ के लिए, इच्छा मृत्यु जिसको इंग्लिश में यूथनेशिया बोला जाता है, उसके लिए एक डिवाइस लॉन्च करी गई है? तो ऐसे लोग जो कि इच्छा मृत्यु चाहते हैं, उनको पेनलेस डेथ देने के लिए, दर्द रहित मौत के लिए, ये अभी हाल ही में डिवाइस लॉन्च करी गई है स्विट्जरलैंड के द्वारा। और इस डिवाइस का नाम आपको ध्यान रखना है सार्को। क्या नाम है? सार्को डिवाइस। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी बॉलीवुड में, जिसका नाम है गुजारिश। ऋतिक रोशन की यह मूवी है। तो बहुत सारे दुनिया में आज भी ऐसे देश हैं जहां पर इच्छा मृत्यु लीगल नहीं है, जैसे भारत में यूथनेशिया लीगल नहीं है, ठीक है, लेकिन स्विट्जरलैंड ने
इसको पहले से ही लीगल करार दे रखा है और अभी हाल ही में उन्होंने इसके लिए सार्को नाम की एक डिवाइस लॉन्च करी है। तो अल्टीमेटली अगर स्विट्जरलैंड में कोई भी यूथनेशिया चाहता है तो वो अब इस डिवाइस का यूज कर पाएगा। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए पूरे दुनिया में ये कौन सा देश है जिसने यूथनेशिया को लीगली परमिशन दी थी, तो ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने सबसे पहले पूरे दुनिया में यूथनेशिया को लीगल करार दिया था। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी, जापान की कैपिटल टोक्यो एंड ताइवान की कैपिटल ताइपी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए फूड एक्सपोर्ट्स में पूरे 15 साल बाद अपना नाम बना लिया है? तो ये देश है भारत। अब देखिए यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अरब स्टेट्स की जो लीग है उनको फूड सप्लाई जो दी जाती है, कोई भी खाद्य पदार्थ हो, जैसे कि फल हो गए या सब्जियां हो गई या फिर दाल हो गई, वीट हो गया, राइस हो गया, कुछ भी जो कि खाद्य पदार्थ की लिस्ट में आता है, तो अरब कंट्रीज में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं फूड प्रोडक्ट्स। तो उस केस में अभी तक ब्राजील नंबर वन पे था, ब्राजील को छोड़ते हुए भारत आ गया है नंबर वन पे, अब ब्राजील दूसरे नंबर पे हो गया है। ऐसा पूरे 15 साल बाद हो पाया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है क्योंकि भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है और भारत पूरे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी इतना पैदावार कर लेता है एग्रीकल्चर क्षेत्र से कि हम खुद तो खाते ही खाते हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे देशों को हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो भारत आ गया नंबर वन पे। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ एक पैक्ट साइन किया है टू ऑफर एन इंस्टेंट एंड कंप्लीटली डिजिटल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? तो ये बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आईसीआईसीआई बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ पैक्ट साइन किया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, आप आईसीआईसीआई बैंक की इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो और उस केस में अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हो और शॉपिंग करते हुए आपके वॉलेट में पैसे अगर खत्म हो जाते हैं तो आप आईसीआईसीआई बैंक से तुरंत उधार ले सकते हो, ऋण ले सकते हो, एक छोटा लोन ले सकते हो। ओके, तो आईसीआईसीआई ये फैसिलिटी आपको तभी दे रहा है जब आप फ्लिपकार्ट में शॉपिंग कर रहे होंगे। आईसीआईसीआई की स्थापना 1994 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के चेयरपर्सन है शशिधर जगदीशन, इसकी स्थापना 1994 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है अमिताभ चौधरी। कोटक महिंद्रा की स्थापना साल 2003 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई है और इसके चेयरपर्सन अभी हाल ही में फिर से बना दिए गए हैं उदय कोटक अगले 3 साल तक के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन? अभी हाल ही में वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो ये चुने गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। अब यहां पर एक चीज समझिए, श्रीकांत माधव वैद्य पहले ऐसे भारतीय नहीं है जिनको वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन में प्रेसिडेंट बनाया गया है। पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे सार्थक बुहेरिया, जिनको साल 2008 में वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। तो फिलहाल आपको करंट अफेयर के हिसाब से श्रीकांत माधव वैद्य का नाम ज्यादा ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में एलपीजी वर्ल्ड एसोसिएशन के ये नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है पेरिस, इसके इस टाइम पे 300 मेंबर्स हैं और 125 कंट्रीज को वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन विमेन टेनिस एसोसिएशंस प्लेयर ऑफ द ईयर इन 2021? कहने का मतलब यह है कि विमेन्स टेनिस एसोसिएशन की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसको दिया गया है? ये खिताब दिया गया है ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर एसले बार्टी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। एंड डब्ल्यूटीए की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है यूएस का फ्लोरिडा एंड इसके सीईओ हैं इस टाइम पे स्टीव साइमन। क्या नाम है? स्टीव साइमन। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज ज्वाइंड द बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रल असिस्टेंस? कहने का मतलब यह है कि अभी हाल ही में ये कौन से भारतीय हैं जिनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रल असिस्टेंस में बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स के रूप में शामिल किया गया है? तो ये हैं आर के त्रिवेदी। आपको पता है आर के त्रिवेदी कौन है? ये भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी एक टाइम पे रह चुके हैं। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रल असिस्टेंट के नए एडवाइजर बने हैं आर के त्रिवेदी, एंड इसकी स्थापना IDEA की स्थापना करी गई थी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोल्म। स्टॉकहोल्म कहां पड़ता है? ये पड़ता है स्वीडन में, माफी चाहता हूं, स्वीडन में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड टू लोन एग्रीमेंट्स विद विच बैंक फॉर तमिलनाडु एंड उत्तराखंड। अभी हाल ही में भारत सरकार ने दो लोन एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए हैं कौन से बैंक के साथ, और ये लोन भारत सरकार ले रही है तमिलनाडु और उत्तराखंड के अंदर रूरल एरियाज में डेवलपमेंट करने के लिए। तो भारत सरकार ने दो लोन पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। ADB भारत सरकार को लोन दे रहा है ताकि भारत सरकार तमिलनाडु और उत्तराखंड के अंदर डेवलपमेंट कर सके। ADB की स्थापना 1966 में करी गई थी। AIIB की स्थापना साल 2016 में, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में और IMF की स्थापना 1945 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, AIIB का है बीजिंग, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला और IMF का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, AIIB के हैं जिन लिकिन, ADB के हैं मसात्सुगु असाकावा और IMF की प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। आपको यह भी ध्यान रखना है, अभी कुछ टाइम पहले भारतीय मूल के अशोक लवासा को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एशियन डेवलपमेंट बैंक में अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी एयरलाइन है जो कि दुनिया की पहली ऐसी एयरलाइन बनने जा रही है जो कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का यूज करेगी, मतलब एयरक्राफ्ट में हवाई जहाजों में पड़ने वाला वो फ्यूल जो कि सस्टेनेबल है, मतलब पहले जो पेट्रोल यूज किया जा रहा था हवाई जहाजों में, जो फ्यूल यूज किया जा रहा था उससे कहीं अधिक गुणवत्ता है इस फ्यूल की, मतलब उतने ही फ्यूल में ज्यादा दूरी तय करेंगे एयरक्राफ्ट। तो इसको यूज करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बनने जा रही है ब्रिटिश एयरवेज। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो हैं, इनके द्वारा 50 बेड का एक इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल जिसका शुभारंभ भारत के कौन से राज्य में किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल ने नए आयुष हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है मणिपुर के अंदर, एंड सर्बानंद सोनोवाल जो है ये इस टाइम पे दो मंत्रालय संभाल रहे हैं, कौन कौन से, एक तो आयुष मंत्रालय ये संभाल ही रहे हैं, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज भी इनके पास है, इससे पहले ये आसाम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एंड मणिपुर में इस टाइम पे बीरेन सिंह की सरकार है, आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन हैज बीन इंक्लूडेड फॉर अ मिशन टू मून एंड मार्स बाय नासा। अभी हाल ही में नासा के द्वारा चांद पर और मंगल ग्रह पर जाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए किस भारतीय को चुना गया है, तो ये अनिल मेनन चुने गए हैं। अनिल मेनन बेसिकली एक डॉक्टर हैं, भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, ठीक है। तो 2022 में नासा मार्स के लिए और मून के लिए एक मिशन जो लॉन्च कर रहा है उसमें 10 लोगों की टीम बनाई गई है। इन 10 लोगों की टीम में अकेले भारतीय हैं अनिल मेनन, जिनको शामिल किया गया है नासा के द्वारा। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, इसकी स्थापना 1958 में करी गई थी और इसके अभी हाल ही में नए एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए थे बिल नेल्सन। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, इस बार संडे को जो कॉम्बैट टेस्ट होने जा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ GS के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप सभी को ये टेस्ट जरूर देना है अनअकैडमी पर। दोपहर में 12 बजे ये टेस्ट होगा इस बार संडे को 12 दिसंबर। इस टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कहीं भूल ना जाएं, इसलिए जैसे ही अभी ये वीडियो खत्म हो तुरंत जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर लीजिए। और इस टेस्ट को अनलॉक करने का कोड है Varun777। जब आप Varun777 कोड डालेंगे तभी ये टेस्ट आपका संडे को 12 बजे खुलेगा। इस टेस्ट को पूरे मन से दीजिएगा, ल्यूसेंट सीरीज पढ़ के दीजिएगा जो कि मैं डेली शाम को 5 बजे चला रहा हूं। आप यहां पर स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं, जैसी आपकी रैंक होगी उस तरीके से आपको परसेंट वाइज स्कॉलरशिप यहां पर मिल जाएगी। अनअकैडमी पर डेली और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो करंट अफेयर टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट, क्वांट्स का टेस्ट, रीजनिंग, स्टैटिक जीके, इस तरीके से ये आप देख रहे हो वेंसडे मंडे, वेंसडे ट्यूसडे फ्राइडे, इस तरीके से हर दिन टेस्ट होते हैं। ये सारे टेस्ट भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। हर टेस्ट को देने के लिए अनलॉक कोड Varun777 है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किताब लॉन्च करी गई है, इस किताब का नाम है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज। ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इस किताब को लिखा है किसने,
तो नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम है रचना बिष्ट रावत। इनके द्वारा अभी हाल ही में किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब की खास बात यह है कि 1971 इंडो पाकिस्तान जो वॉर हुआ था, उस वॉर के अंदर छोटी बड़ी कई सारी कहानियां इस किताब के अंदर समाहित है। साथ में इस किताब में उन एयरफोर्स पायलट का भी जिक्र किया गया है। एक ऐसे एयरफोर्स पायलट थे जो कि मिसिंग हो गए थे पाकिस्तान रीजन में, ठीक है। तो काफी बेहतरीन किताब है जो कि अभी मार्केट में आई है और जिसको लॉन्च किया गया है रचना बिष्ट रावत के द्वारा, यही इसकी ऑथर भी हैं। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। अनअकैडमी पर आप मेरे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, प्लस मैं वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ। इस कोड की मदद से आपको इस टाइम पर 10 नहीं बल्कि 15% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, साथ में और भी बेहतरीन ऑफर्स। तो कल सुबह फिर 4 बजे आपसे मुलाकात होगी। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।